हो जाएगा लिखना है। हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एसके वर्कर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड कोल एंड पेट्रोलियम फॉर क्लास 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द रिसोर्सेस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि फूड कोल पेट्रोलियम सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्सेस है क्या, फिर हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जीज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे वुड कोल एंड पेट्रोलियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या होता है। तो इस यूनिवर्स में यानी एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच कैन बी यूज बाय अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस। या कोई भी चीज जो इस ब्रह्मांड में है जिसका उपयोग हम डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में करते हैं तो वो आपका रिसोर्सेस कहलाता है। जैसे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में, फर्नीचर बनाने के रूप में, आपके डोमेस्टिक जितने भी सेल्टर्स हैं उसको बनाने के रूप में, तो ये वुड जो है चारकोल बनाने के रूप में, तो वेरियस यूज होते हैं आपके वुड के। तो वुड जो है आपके क्या है वो रिसोर्सेज। पेट्रोलियम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम आपका यूज होता है वेरियस प्रोडक्ट, इसमें केमिकल्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे आपका आग इसमें से निकाला जाता है आपका पेट्रोल जो है, आपका किरोसिन है, डीजल है, चारकोल है, कोल टार है, कोल गैस। तो ये जितने भी आपके चीज होंगे, वुड है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, कोल है, ये सभी के सभी क्या है रिसोर्सेस है। फिर बात करते हैं हम लोग कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ऊर्जा प्राप्त होगा और उनके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि द मीडियम थ्रू विच वी ऑब्टेन एनर्जी दैट मीडियम इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी वैसे संसाधन जिससे के द्वारा हम एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाता है। जैसे हमने वुड से प्राप्त किया, हीट एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं ना बर्न करके, तो वुड आपका क्या है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कोल से बात करते हैं तो कोल से हम कोल गैस प्राप्त करते हैं, उससे आपको हीट में आता है। केमिकल एनर्जी जो थर्मल पावर प्लांट कोल के माध्यम से ही चलाया जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जाता है, तो वो भी आपका क्या है मीडियम होता है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं सोर्सेस है, तो आपका सन है जो सोलर एनर्जी का देता है, वैसे ही अब अगर वाटर है तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। तो ये जितने भी हैं वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, चाहे आपका यूरेनियम है, थोरियम हो, प्लूटोनियम हो आपका, या आपका इवन है न्यूक्लियर, कोई भी चीज है जिसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं वो आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब इसी के आधार पर अब हम ह्यूमन एक्टिविटी जो एनर्जी हम यूज करते हैं तो क्या उसको अगेन और अगेन कर सकते हैं कि एक बार नहीं यूज करते हैं और वो दूसरे फॉर्म में चला जाता है। तो इसके आधार पर जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी को दो वर्गों में बांट दिया गया, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेस यानी ऐसे एनर्जी जो अर्थ पर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है और उसी के माध्यम से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो ये एनर्जी। और दूसरा चीज है कि ये ह्यूमन एक्टिविटी यानी मैन की एक्टिविटी से उसको एक्सहॉस्टेड नहीं किया जा सकता है, तो वो है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे एयर, एयर को आप कितना भी यूज करते हैं तो एयर वैसे ही रहेगा, जैसे बरसों से आ रहा है वैसे ही रहेगा। तो ये एयर बस क्वालिटी की का उसका अंतर है कि क्वालिटी चेंज होते जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन है तो एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं सन के लाइट्स के द्वारा जो हम सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं, वाटर के द्वारा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, तो उसका हम अगेन एंड अगेन उसको हम यूज करते रहेंगे, इससे कोई भी एक्सस्टेड नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी जिसका हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उसका यूज नहीं कर सकते, एक बार ही यूज करने के बाद वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ऐसे एनर्जी को हम लोग बात करेंगे। द एनर्जी विच कैन बी ऑब्टेन बाय द रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे आपका माध्यम है एनर्जी जिससे हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड कर जाता है, जैसे आपका वो डेड जैसे वुड भी आता है, डेड यूज करते हैं हम, कोल बनता है आपका, बायो फ्यूल है,
तो या आपका बात करें पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो ये सब आपके क्या बायोफ्यूल है, यानी उसमें रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और आपकी ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से क्या होता है उसको एग्जस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, the energy which can be obtained by the remains of the living organism and can be exhausted by the human activity, that sources of energy is called non-renewable sources of energy। example के तौर पर जैसे wood हमने बताया, coal, petroleum, natural gas, biogas, biomass, etc। अब first of all हम बात करेंगे कि wood, wood किसको कहते हैं, wood को define करते हैं, यानी forest में wood प्राप्त होता है, तो ये हम बात करेंगे कि wood है क्या। तो वुड आपका एक सॉलिड मटेरियल है जो आपके मेनली ट्री से प्राप्त होता है। वुड एक सॉलिड मटेरियल है जो मेनली आपके ट्री से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस की बात करें या इसके आपके मेट की बात करें, तो ये बना होता है सेलुलोज से, मिलकर बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, और इसका यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, रूरल एरियाज में किया जाता है, और वाइडली यूज होता है कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए। और ये जो है आपका वो ये मोस्ट इजिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ फ्यूल है जो रूरल एरिया में आपका मिलता है, और ये सबसे ज्यादा अगर एनर्जी प्राप्त कर होता है तो ये आपका वुड है, लेकिन इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में कोल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफोरेस्टेशन के बारे में, कि डिफोरेस्टेशन क्योंकि वुड हमने पढ़ लिया, तो वुड से फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट से ही वुड हमें प्राप्त होता है, तो वुड का जो कटिंग डाउन है ऑन द लार्ज स्केल पर जो होता है वो आपका डिफोरेस्टेशन होता है। तो इस चीज को उन्होंने लिखा है द परमानेंट रिमूवल ऑफ द ट्री टू मेक द रूम फॉर द समथिंग बिसाइड द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में काम करने के लिए, वहां पर ग्रेजिंग करने के लिए, वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, जो कटिंग डाउन जो ट्री होता है लार्ज स्केल पर, तो आपका डिफोरेस्टेशन कहलाता है। और डिफोरेस्टेशन जो लीड करता है वो वेरियस इफेक्ट्स को दिखाता है। तो इफेक्ट्स ऑफ द डिफोरेस्टेशन को हम लोग देखते हैं, तो ये मेन इफेक्ट्स आपको दिखाएगा। जैसे आप देख लीजिए कि मेल्टिंग यानी आइस जो होता है वो आइस, क्योंकि आप जैसे ही डिफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ को काटेंगे, तो आपका टेम्परेचर जो होता है राइज कर जाता है। टेम्परेचर राइज करने से आइस जो होता है वो मेल्ट करता है। फिर आपका चेंज इन द क्लाइमेट, क्योंकि उस समय जो आपका मॉडरेट क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है, तो हॉट क्लाइमेट में क्लाइमेट कंडीशन भी चेंज हो जाता है। चेंज इन द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो भी आपके फ्री जोन है जैसे अंटार्कटिका है, तो वो आपका अंटार्कटिका पूरे आइस कैप है, वहां पर आइस, तो वो क्या होते हैं मेल्ट करने लगते हैं, तो मेल्ट करने से उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बदल जाता है। फिर वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर राइज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाएगा, और जिससे चलते आपका ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। सॉयल इरोजन, क्योंकि आप पेड़ काट देंगे तो पेड़ के जो रूट होते हैं ट्री के वो बाइंड करके रखते हैं सॉयल को अपने साथ, लेकिन जैसे ही आपका पेड़ काट दीजिएगा तो उसका रूट भी उसी के साथ डैमेज हो जाएगा और वो आपके सॉयल को होल्ड नहीं कर पाता है। वैसे आपका बारिश आता है तो अपर लेयर ऑफ द सॉयल को वॉश अवे ले जाता है अपने साथ, जिसको हम लोग आपको सॉयल इरोजन कहते हैं। तो सॉयल इरोजन भी होता है। फिर आपका इसे पेड़ जब ज्यादा आप काट दीजिएगा तो रेनफॉल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी बारिश कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका डिडक्शन होता है वाटर टेबल में। वाटर टेबल यानी अमाउंट ऑफ वाटर विच इज डिपोजिटेड इनसाइड द अर्थ, तो उसका वाटर टेबल जो होता है डिक्रीज कर जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका लैंडस्लाइड, तो वेरियस इफेक्ट्स होते हैं डिफोरेस्टेशन के, तो ये चीज हम लोगों ने देखा। एक बात करते हैं कि इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज हमने पढ़ लिया, वुड पढ़ लिया, आपका एग्रीकल्चर पढ़ लिया, ये एरोजन के बारे में जाना, रिसोर्सेस हुआ आपका, उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तो फिर एक दिमाग में आता कि ऐसा क्या आविष्कार हुआ अर्लियर में जो ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट था, तो वो था आपका डिस्कवरी ऑफ फायर। तो डिस्कवरी ऑफ फायर इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, मानव सभ्यता के लिए जो है वो आपका आग का आविष्कार बहुत बड़ा मायने रखता है। फिर बात करते हैं वुड फ्यूल, कि वुड फ्यूल किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या उसका कोई बैड रोल भी है, क्या उसका कोई इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर, तो इसका वेरियस इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को देखते हैं।
कि वुड फ्यूल इज सोर्सेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एक बार आप आपको इस यूज कर लेंगे तो दोबारा इस पे यूज नहीं कर सकते एनर्जी। इट इज बीइंग डिस्करेज्ड नाउडे, ये आजकल यूज नहीं हो रहा क्योंकि इसका वेरियस इफेक्ट्स हो रहा है, बिकॉज द कंटिन्यूअस कटिंग ऑफ द ट्री फॉर द ह्यूमन नीड्स इज एडवर्सली डैमेजिंग द बायोटिक एंड एक्वाटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्योंकि आप वुड चाहिए फ्यूल के लिए, आप उसे काटेंगे, फॉरेस्ट को क्लीन करते जाएंगे, डिफोरेस्टेशन करेगा, जिसके वजह से आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, वो आपके क्या होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। तो ये है एडवांस है यूज, आप वुड का फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो वुड का जो ऐसे भी पेपर है, मेडिसिन है, कंस्ट्रक्शन रूड है, बहुत सारे वेरियस यूज होते हैं वुड्स के जो डैमेज करता है, लेकिन बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट दोनों को डैमेज कर देता है।